रियल एस्टेट और ऑटो एक्सपो में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक अच्छा मौका इंदौर में देखने को मिला, जहां पर बिजनेस के साथ ही ऑटोमोबाइल्स की बेहतरीन इंजीनियरिंग को देखने को मिला। इंदौर में आयोजित इस बिजनेस फेयर में आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले दिन लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि देखने वाले देखते ही रह गए। ऑटोमोबाइल्स में दिलचस्पी रखते हैं, ये भीड़ है उन राइडर्स की जो बेहतरीन बाइकों का शौक रखते हैं। ये नज़ारा किसी शहर के सामान्य मेले का नहीं बल्कि इंदौर बिजनेस फेयर का है, जिसकी एक झलक पाने के लिए खरीदारों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस बिजनेस फेयर में सांसद शंकर लालवानी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भी पहुँचे और इस फेयर की तारीफ की। देखिए, जो बिजनेस फेयर लगा इंदौर बिजनेस फेयर, वास्तव में बहुत ही अच्छा फेयर है, ट्रेड फेयर है, और इसमें एक ही रूप के अंदर सभी ऑटोमोबाइल्स, रियल इस्टेट सभी एक ही रूप में, तो एक कंज्यूमर को एक ऑप्शन मिल जाता है, उसके बजट के हिसाब से वैरायटी उसको यहाँ मिल जाती है, एक ही जगह पे सभी मिल जाता है, तो कंज्यूमर को डिसीजन लेने में भी अच्छा रहता है। और बहुत सारी वैरायटी हम लोग को देखने को मिली, नई नई जनरेशन देखने को मिली, तो निश्चित तौर पर ये ट्रेड फेयर एक अपने आप में मील का पत्थर है। मैं सबको शुभकामना देता हूँ, ऐसे ट्रेड फेयर होते रहने चाहिए, प्रधानमंत्री को बधाई। इंदौर मध्य प्रदेश का उद्योग की नगरी है, कला की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, खेल की नगरी है, शिक्षा की नगरी है, स्वास्थ्य की नगरी है, धर्म की नगरी है, आस्था की नगरी है, ये उद्योग की नगरी में तो लगना ही चाहिए। बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। महापौर मालिनी गोड़ और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने कहा कि एक ही स्थान से इंदौर के लोगों को सारा सामान आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बिजनेस फेयर में डिजियाना ग्रुप के एमडी तेजिंदर सिंह घुमन ने कहा कि इंदौर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस फेयर में लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट एक ही जगह पर पूरी हो जाएंगी। एक ही मंच के नीचे इंदौर वासियों को सभी चीजें उपलब्ध है, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे इंडस्ट्री की कुछ चीजें हैं। अभी मैंने देखा कि एक बाइक लॉन्च हुआ है, करीब 18 लाख का है वो, और काफ़ी उसका इंजन वगैरह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ें देखने मिल रही है। तो ये प्रजातंत्र पेपर ने शुरुआत की है, मैं उन्हें उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर बढ़ भी रहा है और इंदौर के लोग बिजी भी होते जा रहे हैं, किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगह पर जाके, अलग अलग शोरूम्स पर जाके अपना टाइम दें, तो इस तरीके के प्लेस में उनको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो एक साथ ही आते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि कार, टू व्हीलर, इवन प्लॉट्स, फ्लैट्स, हर तरीके के स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो एक ही जगह पे कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके के प्लेस बहुत होने चाहिए, और मैं हेमंत भाई जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उनको, प्रजातंत्र वालों को, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहली बार करीब 4 से 5 महिला उद्यमी जो है वो इसमें हमारे साथ आई है, ब्रांड्स के अलावा, तो एक कोशिश ये कि एक अलग तरह का एक काम हो जिसमें कि न सिर्फ बड़े ब्रांड आए बल्कि लोकल ब्रांड, लोकल महिलाएं, वो लोग जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत यंग, सबसे यंगेस्ट वुमन एंटरप्रेनर भी आपको यहाँ दिखेंगे, कि ये सारे लोग एक साथ आते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र जैसे अखबार को ये हम तभी कर पाएँ जबकि डिजाइनर जैसे सबको हमारे साथ ना हो, और डिजाइनर की ताकत हमारे साथ ही इसमें। इंदौर के इस बिजनेस फेयर ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों ने ऐसे बिजनेस फेयर को आज के समय की जरूरत बताया है। इंदौर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। नहीं, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DNN न्यूज के साथ।